सो हेलो एवरीवन, अगर आप इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो भी दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में, तो ये वीडियो उन सब बच्चों के लिए है। सो वीडियो को पूरा देखें, आपको हर तरह का इन्फॉर्मेशन मिलेगा। जैसे मुझे बहुत सारा कमेंट आया था कि दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज कैसा है, उनके टीचर्स कैसे हैं, प्लेसमेंट होता है कि नहीं, कौन सा ब्रांच अच्छा है, ये सब जो भी है, तो मैं अभी रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। सो वीडियो को पूरा देखें, आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। सो अभी आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए ये दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज अच्छा है भी कि नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट था कि, एक मिनट मैं चेक कर लेती हूँ। फर्स्ट था कि आपका, ठीक है, कॉलेज, हाँ, दी कॉलेज कैसा है, दरभंगा कॉलेज कैसा है। तो मैं उसके बारे में बोलना चाहूंगी कि कॉलेज बहुत अच्छा है, आप एडमिशन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है, ये दरभंगा का थोड़ा माहौल थोड़ा डिफरेंट है बाकियों से, बट कॉलेज अच्छा है। ठीक है, अगर आप एक सिंसियर स्टूडेंट हैं, अगर आप अच्छे से फोकस्ड होकर पढ़ाई करना चाहते हैं, तो बेस्ट कॉलेज है, आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। सेकेंड थिंग, ब्रांच ब्रांच के बारे में बात करें तो स्टडी में, ब्रांच में सिविल सबसे अच्छा है। यहाँ का पढ़ाई जो होता है सिविल का बहुत अच्छा होता है, क्योंकि सिविल के टीचर्स, थर्ड थिंग है कि टीचर्स कैसे हैं, तो सिविल के टीचर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे। तो आप, मैं भी सिविल ब्रांच से हूँ, तो इसलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ कि सिविल के टीचर काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, आपको, आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, हर चीज़ में कॉपरेट करेंगे। सो आप अगर बहुत अच्छे से अगर गेट का तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको कहीं जाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। पहली बात की गेट के लिए लोग पटना, दिल्ली, ये लोग सब जाते हैं, लेकिन आपको जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आप दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज में, अगर सिविल ब्रांच में एडमिशन लेते हैं, तो सिविल के टीचर जो जो हैं, वो एक आईएएस ऑफिसर हैं, फिर बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, और आपका बहुत अच्छे से हेल्प कर सकते हैं, आपका हर चीज़ में हेल्प करते भी हैं और करेंगे भी। आप सही से कॉपरेट करिए अगर टीचर्स के साथ, तो आपका गेट का एग्जाम भी बहुत अच्छे से क्वालिफाई हो सकता है इस कॉलेज में होते हुए, रहते हुए। ठीक है, सेल्फ स्टडी के साथ। ठीक है, और ये थर्ड सवाल था कि ऑन कैंपस प्लेसमेंट होता है कि नहीं। तो ठीक है, प्लेसमेंट में मतलब सिविल का कोई प्लेसमेंट उतना ज़्यादा नहीं होता है, बिकॉज सिविल का जो है वो ज़्यादा गेट का ही, गेट, एसी, ये सब, मतलब गवर्नमेंट जॉब में ही ज़्यादा बच्चे जाते हैं। तो जो भी सिविल, अगर सीएसई ब्रांच लेना चाहते हैं, अगर दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में अगर सीएसई ब्रांच लेना चाहते हैं, तो मैं उनके लिए बता दूं कि हमारे कॉलेज में प्लेसमेंट अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। सीएसई ब्रांच का प्लेसमेंट हर ईयर बहुत अच्छा होता है। आप एक बार रिव्यू चेक कर सकते हैं वेबसाइट पर जाकर, दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का जो वेबसाइट है, उस पर हर एक इंफॉर्मेशन सही से दिया रहता है, तो आप उस पर चेक कर सकते हैं। फिर अगला है कि सीएसई ब्रांच लेना चाहिए या नहीं, सीएसई ब्रांच कैसा और लेना चाहिए कि नहीं। बिल्कुल लेना चाहिए, अगर आप एक बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, बहुत अच्छे से मेहनत करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, आप सिर्फ सीएसई लीजिए और बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए। अगला है कि पढ़ाई कैसा होता है, तो पढ़ाई बहुत अच्छा होता है, इट्स डिपेंड ऑन यू। अगर आप फोकस्ड होके पढ़ाई करें, तो पढ़ाई बहुत अच्छा होता है, आपको डरने की कोई बात नहीं है कि इन फ्यूचर आपके साथ बुरा हो कि नहीं, मैंने तो ऐसा बोला था। बट मैं सिविल में हूँ, तो मैं सिविल को प्रेफर करती हूँ, कि सिविल में पढ़ाई बहुत अच्छा होता है। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो सिविल में ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि सिविल का पढ़ाई बहुत ज़्यादा अच्छा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप कौन से ब्रांच से हो, मैं कौन से ब्रांच से हूँ। तो मैं सिविल ब्रांच से हूँ, ऑब्वियसली सिविल से हूँ, तभी तो इतना ज़्यादा सिविल के बारे में बता पा रही हूँ। तो कौन कौन सी कंपनी आती है, तो कंपनी बहुत सारी आती है, मोस्ट ऑफ कंपनी प्राइवेट कंपनीज ही आती है। ठीक है, सेल्स वाली कंपनीज आती हैं ज़्यादा। तो मेरा तो मानना है कि आपको अगर प्लेसमेंट लेना है, तो आप फोकस करिए प्लेसमेंट पे, बट मेनली आपको गेट और ईएससी पर फोकस करना चाहिए, जो कि ये कॉलेज आपको विदाउट एनी कोचिंग, मतलब आपको अगर सब्सक्रिप्शन लेके पढ़ना है, तो आप सब्सक्रिप्शन लेके भी पढ़ सकते हैं, बट विदाउट एनी कोचिंग आपको कॉलेज में प्रोवाइड करवाया जा रहा है। अभी गेट का क्लासेस प्रोवाइड करवाया जा रहा है, आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आपको अगर पे भी करना है, तो यहाँ भी पे करके आप दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में पे करके भी आप पढ़ सकते हैं। सब अभी हुआ, अप्लाई नहीं हुआ है, बट इन फ्यूचर होने वाला है ऐसा।
ठीक है, अगर आपको प्लेसमेंट का तैयारी करना है, प्लेसमेंट मतलब प्लेसमेंट लेना है, तो प्लेसमेंट के लिए भी अलग ट्रेनिंग होगा, तो प्लेसमेंट फील्ड में भी आप जाके पढ़ सकते हैं। और आपको नॉर्मली अगर अगर बस क्लासेस का पढ़ाई करना है, मतलब कुछ बच्चों को होता है बस बस इंजीनियरिंग कर लेना है भाई, तो वो कर सकते हैं, नॉर्मली क्लासेस कर सकते हैं। और जिनको एक्स्ट्रा पढ़ना है तो आप अपना एक्स्ट्रा पढ़ाई करिए, सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। यहाँ के टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, आप तो हर टीचर से हर तरह का हेल्प लीजिए, जितना भी डाउट्स है हर टीचर से डाउट पूछिए कि मुझे ये डाउट है ये डाउट है, और हर डाउट आपका सॉल्व होगा। ये नहीं कि प्रोफेसर्स हैं तो आपको इग्नोर कर देंगे कि नहीं मैम नहीं बता सकता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ हर टीचर बहुत कोऑपरेटिव है। आप अच्छे से कोऑपरेट करेंगे तो टीचर्स भी कोऑपरेट करेंगे, आपका अगर रिव्यू अच्छा होगा तो टीचर भी आपको ज़्यादा आप पे ज़्यादा ध्यान देंगे। तो ठीक है, तो लगभग हो चुका है। और पूछा गया था कि मैं किस ईयर में हूँ, तो मैं थर्ड ईयर में हूँ, और मैंने जहाँ तक देखा है कि कॉलेज का रिव्यू बहुत अच्छा रहा है हर चीज़ में। स्टार्टिंगली थोड़ा थोड़ा गड़बड़ था, मतलब शुरू में जब मैं आई थी तो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, मुझे लगा कि मुझे गेट का तैयारी करने के लिए मुझे पटना जाना पड़ेगा, लेकिन अभी मैं प्रेफर करती हूँ कि जैसे मैंने अन अकेडमी का भी सब्सक्रिप्शन लिया है, बट मुझे जहाँ तक लगता है कि विदाउट क्लासेस, मतलब जो क्लासेस चल रहा है अभी मेरे कॉलेज में, मैं अगर उसे छोड़ दूँ और सिर्फ अगर अनअकैडमी का सिर्फ तैयारी करूँ गेट का, तो कभी वो पॉसिबल नहीं है कर पाना, क्योंकि जो ऑन क्लासेस जो पढ़ाई होती है वो लैपटॉप मतलब आप एक ऑनलाइन में नहीं कर पाएंगे उतना। प्रैक्टिकली जो नॉलेज आपको दिया जा रहा है कॉलेज में, आप ऑब्वियसली उसमें जाएं, बैठें, टीचर्स का जितना नॉलेज है उसको गेन करें, अच्छे से पढ़ाई करें। सो ऑल द बेस्ट, अगर आपको ये कॉलेज अच्छा लगा हो तो आप एडमिशन ले सकते हैं, बहुत अच्छा कॉलेज है। और आगे किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह का कोई डाउट हो, तो आप इसके कमेंट में पूछ सकते हैं, किसी भी तरह का डाउट हो। सो थैंक यू।